गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू फार्माकोलॉजी क्लास इन विच टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स। एंग्जाइटी तो आपको पता ही है, उसके बारे में तो हमारे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। एंटी एंग्जाइटी एजेंट्स के अंदर ज़्यादा ड्रग्स आते भी नहीं है इसमें, जैसे बेंजोडाइजापिन, बसपायरॉन, बीटा ब्लॉकर्स, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, बस ये इतनी सी कुछ ड्रग्स इसके अंदर आएंगी। तो देखो, एंग्जाइटी एक ऐसी इमोशनल स्टेट है जो कि अनप्लीजेंट होती है नेचर में, जिसमें पर्सन को अनइजीनेस होने लग जाता है, अजीब अजीब सा लगने लग जाता है, इमोशनल बन जाता है व्यक्ति, एक डर होता है अजीब सा, जैसे जो एक अननोन सोर्स से अराइज हुआ है, अजीब डर, किस चीज़ का डर है उसे नहीं पता है, क्यों है, उसको डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है, कंसर्न होने लग जाता है, या कुछ ऐसे डर फ्यूचर में जो उसे पता, जो डिफाइंड भी अनडिफाइंड भी, पता भी है कि ऐसा ऐसी चीज़ हो जाएगी, या पता भी नहीं है कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, पता नहीं किस चीज़ से डर रहा हो, ऐसी इमोशनल स्टेट जो होती है उसको अपन एंग्जाइटी कहते हैं। कुछ डिग्री की एंग्जाइटी जो है वो हमारे नॉर्मल लाइफ का पार्ट होती है, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हम लोगों ने देखी है, पर कुछ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है जिसमें हमारे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या बहुत ज़्यादा हो जाती है तब अपने को ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। कुछ साइकोटिक्स और डिप्रेस्ड पेशेंट्स जो होते हैं वो पैथोलॉजिकल एंग्जाइटी एग्जिबिट कर रहे होते हैं। कुछ फिजिकल सिम्टम्स सीवियर एंग्जाइटी के दिखाई देने लग रहे होते हैं, जो फियर के जैसे होते हैं, जैसे टैकिकार्डिया, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग, पालपिटेशन होने लग जाएगा बॉडी के अंदर, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से जुड़ी हुई चीज़ें भी देखने को मिलने लग जाती हैं। तो ये फिजिकल सिम्टम्स है सीवियर एंग्जाइटी के, ऐसे नॉर्मल एंग्जाइटी के नहीं। तो ये फिजिकल इफेक्ट दिखाए गए हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर के, डिजीनेस होगा, सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, इरिटेबिलिटी होने लग जाती है, स्वेटिंग और चेस्ट पेन रहने लगता है, मसल टेंशन बढ़ जाती है, ब्रीदिंग तेज हो जाती है और पर्सन ब्रीदलेसनेस हो जाता है, हार्ट का पालपिटेशन ज़्यादा होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नोज़ या डायरिया रहने लगता है। अब एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स के अंदर जो है एंग्जायोलाइटिक सिडेटिव ड्रग्स जो होती हैं वो एंटी साइकोटिक से अलग हैं और मोर क्लोजली रिजेंबल सिडेटिव हिप्नोटिक्स, मतलब सिडेटिव हिप्नोटिक्स से ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल कर रही होती हैं। इनका कोई खास थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं है थॉट डिसऑर्डर, शाइजोफ्रेनिया के थॉट डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, ना ही ये एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट कुछ प्रोड्यूस कर रही होती हैं। इनके अंदर एंटी कन्वल्सन प्रॉपर्टी पाई जा रही होती है और ये फिजिकल डिपेंडेंस भी प्रोड्यूस कर देते हैं और कैरी एब्यूज लायबिलिटी, इसलिए इन ड्रग्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए, वरना पर्सन जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा इन ड्रग्स के ऊपर। तो ऐसा इन ड्रग्स के साथ में प्रॉब्लम्स भी हैं। अब अगर क्लासिफाई करें अपन, तो जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले से क्लासिफिकेशन बताया, तो बेंजोडाइजापिन इसके अंदर आती है, एजोपायरॉन, सिडेटिव्स, बारबिट्यूरेट्स, बीटा ब्लॉकर्स और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स इसके अंदर आती हैं। बेंजोडाइजापिन में डाइजापाम, क्लोडाइजापॉक्साइड, ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम, एल्प्राजोलाम, क्लोनाजेपाम, फ्लोराजेपाम ड्रग्स आ रही हैं। एजोपायरॉन्स के अंदर बसपायरॉन, गैपेरॉन, इस्पापायरॉन ड्रग्स हैं। सिडेटिव में हाइड्रोक्सीजाइन है। बारबिट्यूरेट्स के अंदर एमोबारबिटल, पेंटोबारबिटल, फिनोबारबिटल और थायोपेंटल है। बीटा ब्लॉकर के अंदर प्रोप्रानोलोल है। एंटी डिप्रेसेंट्स के अंदर सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRIs में फ्लोक्सेटाइन, फ्लोवॉक्सामिन, पैरोक्सेटाइन वगैरह ड्रग्स हैं, आप इनको देख लीजिएगा। इसके अलावा सीरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SNRIs के अंदर वेनलाफेक्सिन और ड्यूलेक्सेटाइन ड्रग्स आती है। बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट के अंदर अपन फ्लुमाजेनिल भी जो है वो काम में ले रहे होते हैं। अब देखिए, बेंजोडाइजापिन जिसको BZDs कहते हैं शॉर्ट में, हमेशा इसको अपन ऐसे यूज़ करते हैं, ये एलोस्टेरिक साइट पर एगोनिस्ट का काम करती है, गाबा एक्शन को लंबा कर देती है और क्लोराइड चैनल को ओपन कर देती है। मोस्टली वाइड यूज्ड एंग्जायो
लाइटिक ड्रग के रूप में अपन इसको काम में लेते हैं। लार्जली ये रिप्लेस हुई है बारबिट्यूरेट्स के लिए से एंग्जाइटी के ट्रीटमेंट में। आजकल इसी जगह अपन बारबिट्यूरेट्स काम में लेने लगे क्योंकि बेंजोडाइजापाइन जो है इसने बारबिट्यूरेट्स को बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि बेंजोडाइजापाइन काफ़ी सेफ है। पहले अपन बारबिट्यूरेट्स लेते थे जो थोड़ा ज़्यादा नशा कॉज करती थी, तो ये थोड़ी ज़्यादा सेफ़र और ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाने वाली ड्रग है। बेंजोडाइजापाइन के बारे में हालांकि अपन को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की इनको भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंटी एंग्जाइटी एजेंट्स बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। बेंजोडाइजापाइन जो है वो मिड ब्रेन पर मेनली एक्ट करती है, लिम्बिक सिस्टम और रेटिकुलर फॉर्मेशन में इसका काम हो रहा होता है, प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन को ये एनहांस कर देती है, बस ठीक है। बाकी ये बाइंडिंग वाइंडिंग की पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए आपको बताया गया है, आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये डायग्राम, क्योंकि नहीं पूछा जाता इतना आपसे क्वेश्चन। फार्मेकोलॉजिकल एक्शन एंग्जाइटी को कम करता है, और हाइपोटोनिक एक्शन और सेडेटिव एक्शन ये दिखाता है। लो डोज पे दोगे अगर बेंजोडाइजापाइन को तो ये एंग्जायोलाइटिक है, यानी एंग्जाइटी को तोड़ती है और एंग्जाइटी को कम कर रही होती है, क्योंकि ये सिलेक्टिवली गाबाजिक ट्रांसमिशन को एनहांस करती है न्यूरॉन्स के अंदर, और न्यूरोनल सर्किट को ये तोड़ती है ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में। सिडेटिव और हिप्नोटिक एक्शन मोस्टली ये दिखा रही होती है, जब इसको एंग्जाइटी के ट्रीटमेंट में देते हैं तो सिडेटिव प्रॉपर्टी इसकी होती है और हिप्नोसिस ये प्रोड्यूस कर देती है, मतलब नींद नींद आने लग जाती है, आर्टिफिशियल नींद इसकी वजह से आ रही होती है अगर हायर डोज पे आप दे रहे हो। इसके बाद एंटीरोग्रेड एमनेशिया में क्या हो जाएगा कि टेम्पररी इम्पेयरमेंट हो जाता है मेमोरी का, चीज़ें याद नहीं रह पाती, पर्सन्स की एबिलिटी किसी चीज़ को लर्न करने की और नई मेमोरीज की बनने की जो एबिलिटी है वो भी इम्पेयर हो जाती है। एंटी कन्वल्जेंट है ये, सेवरल जो बेंजोडाइजापाइन्स है वो एंटी कन्वल्जेंट एक्टिविटी रख रही होती है, इसलिए एपिलेप्सी को ट्रीट करने में, स्पेशली स्टेटस एपिलेप्टिकस को ट्रीट करने में और दूसरे सीजर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए ये काम में ली जाती है। मसल लेग्जेंट के रूप में अगर हायर डोज आप दे रहे हो तो बेंजोडाइजापाइन जो है वो स्केलेटल मसल की स्पास्टिसिटी को भी रिलैक्स कर देती है, क्योंकि प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन को ये बढ़ा देती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। थेरापेटिक यूज़ क्या है बेंजोडाइजापाइन का, स्लो स्मॉल डिफरेंसेस इन देयर रिलेटिव एंग्जोलाइटिक एंटी कन्वल्जेंट एंड सेडेटिव प्रॉपर्टीज़। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर ये इफेक्टिव है, बहुत सारे जो पैनिक डिसऑर्डर हो रहे हैं उसको ट्रीट करने के लिए, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में काम में ले सकते हो, परफॉर्मेंस की एंग्जाइटी हो रही है तब भी आप ये दवाई दे सकते हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर, एक्सट्रीम एंग्जाइटी के केस में भी अपन दे सकते हैं, फियर ऑफ फ्लाइंग जैसे फोबिया अगर किसी को है तब भी आप ये दवाई दे सकते हो। मस्कुलर डिसऑर्डर में स्केलेटल मसल स्पाज़म को ट्रीट करने के लिए हमने अभी बोला ही था, मसल स्ट्रेन अगर किसी को हुआ है, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर की वजह से स्पास्टिसिटी हो गई है मसल के अंदर, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है मसल का जिसमें मसल वीकनेस हो जाती है, और सेरेब्रल पाल्सी के अंदर ब्रेन के अंदर थोड़ा पैरालिसिस टाइप की सी कंडीशन आ जाती है, तो उसको उसके अंदर भी अपन ये दवाई दे सकते हैं। इसके अलावा थेरेपेटिक यूज़ में एमनेशिया के अंदर ये शॉर्टर एक्टिंग एजेंट है। दूसरा अपन इसको एंडोस्कोपिक ब्रोंकोस्कोपिक और डेंटल प्रोसीजर के थ्रू और एंजियोप्लास्टिक के थ्रू भी अपन ये अनप्लीजेंट प्रोसीजर के थ्रू अपन इसको दे सकते हैं, एंग्जाइटी उसके इन चीज़ों के अंदर अपन इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अनप्लीजेंट प्रोसीजर है ना, तो पर्सन को बहुत अजीब सा लग रहा होता है, तो उस केस में अपन ये ड्रग दे सकते हैं। कुछ सीजर्स के अंदर क्लोनाजेपाम जो है ओकेजनली अपन दे रहे होते हैं एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए, डाइजापाम और लोराजेपाम ड्रग्स जो है वो ग्रैंड माल एपिलेप्टिक सीजर को ख़त्म करने और स्टेटस एपिलेप्टिक्स को टर्मिनेट करने के लिए दी जाती है। स्लीप डिसऑर्डर्स में सभी बेंजोडाइजापाम तो यूज़फुल नहीं है हिप्नोटिक एजेंट के रूप में, पर इनका सिडेटिव और कामिंग इफेक्ट जरूर है, व्यक्ति को शांत कर देती हैं ये ड्रग्स। दे टेंड टू डिक्रीज द लेटेंसी टू स्लीप ऑन सेट, अगर पर्सन सोया हुआ है तो उसको स्लीप ऑन सेट को ये लेटेंसी को ये जो है वो डिक्रीज कर देती है। एडवर्स इफेक्ट के रूप में ड्रॉजीनेस सेडेशन होने लगता है, लाइट सर भारी होने लग जाता है, साइकोमोटर इफेक्ट हो जाता है,
कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, चीज़ों को पहचान नहीं पाते, चकराने लग जाते हैं, कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहता है पर्सन, भूख बढ़ जाती है उसकी, वेट इसी वजह से गेन भी होने लग जाता है और सेक्सुअल फंक्शन भी ऑल्टर्ड हो जाते हैं। रैशेज होते हैं पर अनकॉमन है, ज़्यादा कॉमन नहीं है। कई विमेन के अंदर जो है ये फेल टू ओव्यूलेट वाइल ऑन रेगुलर यूज़ ऑफ बीजेडी, उनमें ओव्यूलेशन नहीं हो पाता अगर वो बीजेडी का रेगुलर यूज़ कर रही हैं। अगर इसको लंबे समय तक लिया जाता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर, तब फिर डिपेंडेंस ये प्रोड्यूस कर देती है, मतलब पर्सन आदि हो जाता है। इसका एंटागोनिस्ट के रूप में अपन फ्लोबाजेनिल जो है वो देते हैं, बस बाकी इसके बारे में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। एंटागोनिस्ट ये खूब सारे दिए हुए हैं, उनकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई है, जैसे क्लोराडाजा पॉक्साइड जो है वो फर्स्ट बीजेडी है जो क्लिनिकली यूज़ की गई थी। ओरल एब्जॉर्प्शन धीरे है इसका, स्मूथ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ये देती है, क्रॉनिक एंग्जाइटी स्टेट में देने के लिए सबसे अच्छी मानी जा रही होती है। हाफ लाइफ 5 से 15 घंटे की होती है। इसके अलावा एंटी कन्वल्सेंट एक्शन इसका कुछ खास अच्छा नहीं है, 25 से 100 mg के अंदर आप इसको दे सकते हो। डायजापाम क्विकली एब्जॉर्ब होती है, हाफ लाइफ 1 घंटे की है। इसके अलावा एक्यूट पैनिक स्टेट में एंग्जाइटी जो ऑर्गेनिक डिजीज़ के वजह से हो रही है उसमें आप दे सकते हो 5 से 30 mg। ऑक्साजेपाम जो है वो स्लोली एब्जॉर्ब होती है, हाफ लाइफ 10 घंटे की है। ये ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ में कॉन्जुगेट होती है, मेनली लॉन्ग लास्टिंग एंग्जाइटी स्टेट के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, 30 से 60 mg के रूप में आप दे सकते हो। लोराजेपाम ओरली स्लोली ये ओरल के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, ये लिपिड सॉल्युबल नहीं है इसीलिए थोड़ी स्लो एब्जॉर्ब हो रही है, डायजापाम की कंपैरिजन में थोड़ी कम लिपिड सॉल्युबल होता है। हाफ लाइफ इसकी 10 से 20 घंटे है, ये भी ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ में कॉन्जुगेट होती है, थोड़ी बहुत सिडेटिव ये इफेक्ट देती है और मार्क्ड एमनेशिया में भी ये कैपेबल है प्रोड्यूस करने में। 1 से 6 mg की डोज इसको दी जाती है। एल्प्राजोलाम जो है हाई पोटेंसी की एंग्जियोलाइटिक बीजेडी है, कुछ मूड एलिवेटिंग एक्शन में, माइल्ड डिप्रेशन मूड एलिवेटिंग एक्शन में इसको काम में लिया जाता है, हिप्नोटिक का काम भी ये करती है। 0.25 से 1 mg तक आप इसको दे सकते हो। दूसरी डग है बस पायरॉन, फर्स्ट एजा पायरॉन है ये, ऐसी जो एंटी एंग्जाइटी की न्यू क्लास की ड्रग्स है। ऑब्वियस है ये बीजेडी से एकदम अलग है, ये कोई सिडेशन कॉज नहीं करती, कॉग्निटिव फंक्शनल इम्पेयरमेंट भी नहीं करती, बीजेडी रिसेप्टर साथ ये इंटरेक्ट नहीं करती है और गाबार्जिक ट्रांसमिशन को मॉडिफिकेशन के साथ में इसका रोल है। कोई टॉलरेंस, कोई फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होती है, बीजेडी को सप्रेस नहीं करती है, बारबिट्यूरेट विड्रॉल सिंड्रोम को भी के साथ भी इसका रोल नहीं है। ये जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर जीएडी के क्रॉनिक ट्रीटमेंट के रूप में अपन इसको काम में लेते हैं, बेंजोडाइजापैन के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंट ये ड्रग मानी जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको लिखने की कहीं ज़रूरत नहीं है। फार्माकोकाइनेटिक तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका हो जाता है, इसका मेटाबोलाइट एक्टिव होता है, ये एक्सक्रीट होती है यूरिन में भी और फीसेस में भी। हाफ लाइफ इसकी 2 से 3.5 घंटे तक रहती है, पर इसका एक्शन जो शुरू होता है उसमें काफ़ी देर लगती है, ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। साइड इफ़ेक्ट में माइनर डिजीनेस, नोजिया, हेडेक रहने लगता है, सिर भारी रहने लगता है, कभी कभार एक्साइटमेंट भी हो जाता है, ये बीपी को भी बढ़ा देता है और 5 से 15 mg की डोजेस की अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर्स एडजुवेंट जो बीजेडीज के हैं, कुछ सिम्टम्स एंग्जाइटी के जैसे पालपिटेशन, बीपी का राइज, शेकिंग, ट्रिमर, जीआईटी हरिंग, बहुत जल्दी भूख लग जाना, ये सब दिखाई दे रहे थे सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से। इन सिम्टम्स एंड दी सिम्टम्स री इन्फोर्स एंग्जाइटी, इन सिम्टम्स की वजह से भी कई बार पर्सन के अंदर एंग्जाइटी हो जाती है। तो प्रॉपर एंड लॉल और दूसरे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो होते हैं ऐसी एंग्जाइटी कंडीशन में काफ़ी अच्छे माने जा रहे होते हैं, ऐसे एंग्जियस पेशेंट में अपन देते हैं। अब जो पेशेंट जिनको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे होते हैं उनमें ये अपन दे रहे हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में जैसे पर कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि वरी, टेंशन, फियर, उनमें ये अपने बीटा ब्लॉकर्स कोई खास काम के नहीं होते हैं, पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन जैसे कि
एग्जाम का डर, अकस्टम्ड पब्लिक अपियरेंस के अंदर जिसमें हमें भीड़ में जाना पसंद नहीं होता, तो उनके अंदर जो है ये थोड़ी अच्छी माने जाने वाली दवाई होती है। बस इसके साथ कोई ख़ास बड़ी, ये मैंने पहले बोला स्टार्टिंग में ये टॉपिक कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो इसके साथ आपका ये टॉपिक एंटी एंग्जाइटी भी यहाँ पर ख़त्म है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लास थैंक यू, क्लास थैंक यू सो मच।